वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो शुरू करने तो पहला आप जी के चरणों के बेनती है कि जेकर अज की यह वीडियो थोड़े तक आ गई है, तुसी सुननी शुरू कर दिती है, तो फिर कृपा करके इनू पूरा जरूर सुनियो। जी सुनने तो बाद इस वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर दियो ता जो ये मैसेज वध तो वध भैण भरावां तक पहुँच सके, क्योंकि अज की वीडियो के राही आपां बहुत जरूरी बेनतियां करनियां ने। ता इस करके वीडियो नू वध तो वध शेयर करना ता जो ये मैसेज सब तक पहुँच सके अते कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार जां फिर वाहेगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। अपनी अज की वीडियो दे विच भी आपां गल करनी आ अमृत वेले बारे कि साढ़े लिए अमृत वेले उठना क्यों जरूरी है। तो इस सवाल का इको एक जवाब आ कि अमृत वेले उठना इस करके जरूरी है क्योंकि साढ़े गुरु साहबाना ने सानू अमृत वेले उठन दे लई किया है। किसी भी गुरु साहबान ने सानू अमृत वेले की छूट नहीं दिती, अमृत वेले का नागा पाउण नू नहीं किया, किते भी नहीं यह किया गया भी चलो कोई गल नहीं जे तुहाडे तो सवेरे जल्दी नहीं उठाया जाता तो तुसी लेट ही उठ लो ना। हर थां ते सानू यह समझाया है कि भाई अमृत वेले उठो, नाम जपो, अपने गुरु की खुशी गुरु की बरकत हासिल करो। कमाई वाले संत महापुरख जी भी सानू हमेशा अमृत वेले दे नाल जोड़न दे लई कई तरह दियां उदाहरणां दिंदे आ, साखियां सुणाउंदे आ तां जो साडा अमृत वेला बण जावे, क्योंकि उहनां नूं पता है कि अमृत वेले दे विच किन्नियां बरकतां ने, अमृत वेले दे विच किन्नी ताकत आ। जो मनुख भी अमृत वेले दे विच उठदे ने उह सतगुरु सच्चे पातशाह दे बड़े प्यारे हुंदे आ। अमृत वेला गुरु नानक पातशाह दी मिठी निघी गोद आ। तां आप सोचो वी जिस मनुख नूं सवेरे उठदे आ सार अपने गुरु नानक पातशाह की मिठी निघी गोद का आनंद मानन मिल जाए तो उहदा पूरा दिन कितना सोहना बीतेगा। इस करके भाई अमृत वेले दे विच उठना है, जरूर उठना है। अमृत वेले ना उठन का कोई भी कारण साढ़े कोल नहीं होना चाहिए, पर साढ़े विचों बहुत भैण भरा ऐसे ने जो अमृत वेले ना उठन के कोई ना कोई कारण दस ही देंदे आ। कई भैन भरा कहणगे भी साडे काम कार ही इदां दे आ, असी सारा दिन काम कार करदे आ, फिर थके टुटे घर दे विच आउंदे आ, रोटी पानी छकदिआं नूं सानूं काफ़ी टाइम लंघ जांदा है, असी रात नूं लेट सौंदे आ, इसे करके सवेरे लेट उठाया जाता है, क्योंकि जे जल्दी उठते हैं फिर शरीर को आराम नहीं मिलता। नींद पूरी करनी भी जरूरी आ क्योंकि अगले दिन दे विच भी काम करने जरूरी आ, तो काम ता ही करांगे जे रात नूं चंगी तरह सोवांगे। तो देखो जी तुहाडी गल बिल्कुल ठीक आ कि साडे शरीर नूं तंदुरुस्त नरोआ रखण दे लई लोड़ींदी नींद जरूरी आ। जेकर रात नूं चंगी सोहणी गूढ़ी नींद आवेगी तां ही साडे शरीर नूं ऊर्जा एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, तां जो असीं अगले दिन दे कम्मां कारां नूं सही तरीके दे नाल कर सकीए। पर आप सोचो भी जे साडे लई सोना जरूरी आ, साडे काम कार करने जरूरी आ, तां नाम जपना भी जरूरी आ, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह ने जदों इह सोहणी सृष्टि साजी सानूं मनुखा जन्म दे के इस धरती दे उत्ते भेजिआ तां सतगुरु सच्चे पातशाह ने तां सारे निजम तय करके ही दित्ते सन। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू एक एक गल समझाई सी कि भाई तेरा किहड़ा वेला सौण दा है, किहड़ा जागण दा है, किहड़ा काम करन दा है, किहड़ा नाम जपण दा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो कोई भी काम औखा रह नहीं दिता, सब आसान करके भेजिया सी भी भाई सवेरे जल्दी उठियो, जे उठ के पहला नाम जपियो, नाम जप के अपना काम कार करियो, सारियां जिम्मेवारियां फर्ज निभायो, फिर जिम्मेवारियां फर्ज निभाउण तो बाद अपने परिवार दे नाल समां बतीत करना, खाना पीना आराम करना, सारा समां सैट करके दिता। पर असी अपनी मन मर्जी करके सारे निजम अपने अनुसार कर ले, जेड़ा समा साडे सौण दा है उहनूं असी जागण दा बना लिया, जेड़ा जागण दा है उह समा असी सौण दे विच कर लिया, जां फिर कम्मां धंदिआं दे विच। असी हर एक काम दे लई समा कढ लैंदे आ, अपने दुनियावी काम धंदे भी पूरे समें सिर कर लैंदे आ, खांदे पीने भी समें सिर ही आ, हर एक काम किसे रिश्तेदारी दे जाणा होवे तां सानूं कितना डर हुंदा है वी भाई असी आ व्याह शादी ते पार्टी ते पहुंचना है, नहीं तां रिश्तेदार गुस्से हो जाणगे,
किसी नूं फोन करना होवे, किसी खास जरूरी मीटिंग ते पहुंचना होवे जिथे सानूं पता होवे भी इत्थे सानूं धन लाभ होना है, तां असीं उत्थे पहुंच जांदे आ। भावें जिन्नियां मर्जी रुकावटां आउण, मीह हनेरी होवे, शरीर ठीक ना भी होवे, तां वी असीं उन्हां कम्मां नूं कर लैंदे आ जो सानूं जरूरी लगदे आ। पर नाम जपण वेरी असीं कह दिंदे आ वी सानूं समां नहीं मिलदा, समय की सैटिंग ही नहीं बनती। जपन दिल तो बहुत करता है, कई भैन भरा कह देंगे शरीर ही साथ नहीं दिता, कई भैन भरा कह देंगे सवेरे सवेरे आलस सुस्ती बहुत पैंदी है। तो जेकर आलस सुस्ती पैन वाले सवेरे सवेरे ये कह दिता जाए कि सवेरे सवेरे 3 बजे उठ्यो जी, तुहानू सवेरे 3 बजे उठन दे 10,000 रुपए देवांगे, जां 10,000 तो बहुत ज़्यादा कहता, 1,000 भी कह दईए तां वी 3 दी जगह ते 2:30 बजे ही उठ के बैठ जावांगे भी हाँ सवेरे उठ के पैसे मिलने आ। पर सानू ये नहीं पता भी असीं सिर्फ पैसों के मगर ही भज्जे फिरदे आ, असल कमाई आ नाम की कमाई। जेकर सवेरे उठ के नाम की कमाई कर ली तो साढ़े थोड़े दे विच भी बरकतां पै जाणगीआं, साडी इह दुनियावी कमाई धन दौलत दे विच आपे ही वाधे हो जाणे आ। क्योंकि सवेरे उठण वाला मनुख तन मन धन तिन्ना ही पक्खां तों हमेशा मजबूत रहिंदा है। अमृत वेले उठण वाले मनुख शरीरक पक्खों भी तंदुरुस्त रहिंदे आ, मन उहनां दा हमेशा खुश रहिंदा है, शांत रहिंदा है, शांत खुश मन अपने लिए सही फैसले कर पाता है। इस करके आपां तन मन धन पक्खों मजबूत रहिंदे आ। अमृत वेले उठण वालियां दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह सदा ही मेहरबान रहिंदे आ, ते इस करके आपां वी भाई अमृत वेले उठना है। थोड़ी जी कोशिश करांगे ना, थोड़ा जिहा आपां अपनियां आदतां दे विच बदलाव कर लईए। जिवें हुण रात नूं जेकर साडी नींद पूरी नहीं हुंदी तां जिहड़ा समां असीं टीवी मोबाइल नूं दिंदे आ उह ना देईए, उहदी जगह ते आपां जल्दी सौं जाईए। क्योंकि अज दे समें दे विच हर एक बंदे दे कोल मोबाइल आ, अते साडी जिंदगी दे जिन्ने मर्जी रजेवे होण असीं अपने मोबाइल दे लई टीवी दे लई समां कढ लैंदे आ। जेकर आपां सिर्फ टीवी अते मोबाइल दा समां अपने सौण दे उत्ते लगा दईए, भाव कि रात नूं सौण लग्गिआं टीवी मोबाइल दी वरतों करनी घट कर दईए, तां असीं समें सिर सौं सकदे आ। सौंदिआं सौंदिआं वी बंदा अपने मोबाइल दे उत्ते कुझ ना कुझ देखदा ही रहिंदा है, तां सौण तों अद्धा पौणा घंटा मोबाइल टीवी बंद कर देना चाहीदा है। समय सिर सौण दी कोशिश करिए तां जो सवेरे जल्दी उठ पाईए। जेकर आपां रात नूं 9 तों 10 दे विचकार सौंदे आ तां सवेरे 3 तों 4 दे विच बड़े आराम दे नाल उठ पावांगे। जिहड़े कम्मां धंदिआं वाले ने, जिहड़े कह दिंदे आ वी असीं पूरा दिन कम्म धंदे करदे आ, शरीर थकिया टुटिआ हुंदा है, तां उह 4 तों 5 दे विच उठ पैण। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह सभ जाणदे आ, उहनां नूं सभ कुझ पता है, उह अंतरजामी ने, दिल दीआं जाणन वाले आ, उन्हां नूं सब पता है भी किहदी की मजबूरी आ, कौन बहाने बना रहा है, ते किहड़ा सचमुच अमृत वेले उठना चाहुंदा है, उन्हां नूं सब पता है। रोज़ रात नूं सौण लग्गिआं गुरु अग्गे अरदासां बेनतीआं तरले करिए। जेकर अजे भी अमृत वेले उठण दा मन नहीं बणदा जां आलस सुस्ती पैंदी आ ना, तो फिर दसंबर महीने का वो महीने का इतिहास जरूर पढ़ना। दसंबर महीने बारे किसनू नहीं पता, दसंबर का महीना जां कह लो पोह का महीना शहीदी महीने वजो याद किया जाता है। क्योंकि इस महीने के मिरकल की तरपाशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहला परिवार का विछोड़ा पिया, फिर परिवार की शहीदी, 4 साहिबजादे माता गुजरी जी की शहीदी, कई सिंघां दीआं शहीदियां होईआं। पर उस औखे वेले दे विच भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने अमृत वेले दा नागा नहीं सी पैण दिता। पिछे दुश्मन लगा सी, अगे सरसा नदी भर रही सी, पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने पहला अमृत वेला संभालिया, फिर अगे चाले पाए। तां इहदे तों वड्डी उदाहरण सानू होर किहड़ी चाहीदी आ वी साडे लई अमृत वेला जरूरी आ। साडे सतगुरु सच्चे पातशाह ने तां साडे लई खुद पूरने पा के सानू उस रस्ते दे उत्ते चलना आसान किया है, पूरने पा के सानू रस्ता दस्या है तां जो सानू चलना सौखा हो सके। असीं अजे भी कह दिंदे आ वी साडे तों अमृत वेले नहीं उठिया जांदा। अज रात तों ही रात नूं सौण लग्गिआं शहीदां सिंघां दे चरणां दे विच बेनती करके सौणी कि शहीदों सिंघो कृपा करो, अमृत वेला बख्शो, नाम बख्शो, तां देखणा अमृत वेले दे विच जाग जरूर आवेगी। आप सोचो भी जे आपां दसंबर महीने दे विच भी अमृत वेले नहीं उठ रहे
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਜਾਈ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਕੰਬਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 21 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ 21 ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਓ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 21 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰੀਏ।